सर्जिकल स्ट्राइक को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसके उपलक्ष्य में 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाने की भी बात कही गई है। लेकिन 2 साल पहले क्या हुआ और अब जबकि 2 साल पूरे हो रहे हैं तो उस जगह की क्या स्थिति है, इस पर भी गौर करने की बात है। हकीकत है कि जिस जगह पर भारतीय जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर वहां से दहशतगर्दियों के कैंप बर्बाद कर दिए थे और 30 दहशतगर्दियों को मार गिराया था, अब वहां कैंप फिर से आबाद हो चुके हैं। पहले की ही तरह से वहां पर अब न सिर्फ दहशतगर्द कैंप बन चुके हैं बल्कि दहशतगर्दियों को ट्रेनिंग का सिलसिला भी बादस्तूर जारी है। खुफिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दहशतगर्दियों की इन्हीं लॉन्चिंग पैड से करीब 250 दहशतगर्द सीमा पार कर भारत में घुसने को भी तैयार है। खुफिया रिपोर्ट में कुछ नए लॉन्चिंग पैड का भी जिक्र किया गया है, जिनमें से कुछ पाक अधिकृत कश्मीर के लीपा घाटी में है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दहशतगर्दियों के 2 ठिकानों पर ही धावा बोला था और उन्हें नष्ट किया था। दहशतगर्द कैंपों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान में भले ही सत्ता नवाज से निकलकर इमरान खान के हाथों पर पहुंच गई हो, लेकिन पाकिस्तान की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। वह आज भी जस की तस है। SPN न्यूजरूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।